बहुत बड़ा है तू, बहुत अकड़ है तोरा में, देख देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। प्यार की निशानी ताजमहल के बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। लेकिन अभी मैं खड़ा हुआ हूँ बिहार के गया जिले के गहलोर गांव में। ये जो रास्ता आप लोग देख रहे हैं, इस रास्ते के पीछे किसी की 22 साल की मेहनत है। ये रास्ते को काटने में 22 साल लगे हैं। दशरथ मांझी जिन्होंने इस रास्ते को काटा था, सिर्फ एक छेनी और एक हथौड़ी के माध्यम से इस रास्ते को 22 साल में काटा था। 2015 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक मूवी आई थी मांझी द माउंटेन मैन, तो वो जो फिल्म है वो इसी पे आधारित है। ये सच्ची कहानी माउंटेन मैन और करिश्माई शख्स दशरथ मांझी की है, जो बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव गहलोर के रहने वाले थे, जिन्होंने अपनी पत्नी की खातिर बड़े पहाड़ का सीना छेनी और हथौड़ी के दम पर चीर डाला। उन्होंने अपनी जिंदगी के 22 साल एक पहाड़ को काटने में लगा दिए। न रात देखा और न दिन, न बारिश की परवाह की और न कपकपाती ठंड की, बस जुनून था कि सड़क बनानी है। और 22 वर्षों के कठिन तपस्या और बुलंद हौसले के साथ अंत में दशरथ मांझी के जुनून के सामने विशाल पहाड़ भी हार मान गया। इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, उसकी जीती जागती मिसाल है ये रास्ता जिसको दशरथ मांझी ने 22 साल में काटा था। लगातार एक छेनी और एक हथौड़ी से इस रास्ते को काट दिया था। कहते हैं ना कि इंसान के आगे पहाड़ भी नतमस्तक हो जाता है, तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, जो बिहार के गया से थोड़ी सी ही दूरी पे है। और ये पूरा दशरथ मांझी पथ है, आगे जो है वो गहलोर गांव है। आप लोगों ने अगर मूवी नहीं देखी है तो मूवी देखना, उसमें पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ये कहानी कुछ इस तरह से है कि उनकी पत्नी एक बार खाना लेके दशरथ मांझी के लिए इधर जा रही थी पीछे की तरफ, तो पैर फिसल गया उनका, पहाड़ी से गिर गई। नज़दीक अस्पताल था वज़ीरगंज में, वज़ीरगंज यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ तक वो लेके नहीं पहुँच पाए क्योंकि इसको इस तरह का रास्ता नहीं था। पहले काफ़ी आगे से जाना पड़ता था, 50 किलोमीटर का पड़ता। अभी वज़ीरगंज यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर रह गया इस रास्ते से। तो कुछ इस तरह की कहानी है इसके पीछे की। चलिए आगे चलते हैं, ये रास्ता है और कोशिश करेंगे जो दशरथ मांझी के जो बेटे हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरह से क्या क्या कहानी हुई है, फिल्म से क्या डिफरेंट है, यानी फिल्म की तरह ही ये रियल कहानी है, कुछ उसमें बदलाव हुए हैं। आगे वहाँ पे दशरथ मांझी समाधि बनी हुई है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं दशरथ मांझी जी के बारे में। दशरथ मांझी ने अपनी धर्म पत्नी को खोकर प्रण लिया कि किसी और की बेटी, बहू, माँ, बच्चे, बुजुर्ग इस पहाड़ी पर चढ़कर अपनी जान नहीं गंवाएं। अपनी फगुनिया को खोने का तड़प तो था ही, साथ ही साथ वर्तमान पीढ़ी के लोगों की भी चिंता थी। उस इलाके के लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने निश्चय किया कि पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने का जिम्मा मुझे खुद लेना होगा, सरकार या किसी और व्यक्ति के भरोसे नहीं बैठेंगे। कितना परिश्रम किया होगा, क्या परेशानी आई होगी, कैसे कैसे कष्ट आए होंगे, कितना प्रताड़ित हुए होंगे, ये सब देखने के बाद एक ही चीज याद आती है कि दशरथ मांझी कहते थे, भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा। अभी हम लोग खड़े हैं जहाँ पे दशरथ मांझी जी की समाधि बनी हुई है, तो ये यहाँ पे समाधि की देखभाल करते हैं आप। आप कौन हैं दशरथ मांझी के? बाबा लगते हैं, हम लोग वीर परिवार में हैं। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम राम स्वरूप मांझी जी का देख रेख पुजारी हम हैं। तो दशरथ मांझी जी ने इस पहाड़ को क्यों काटा था आपको पता है? रास्ता नहीं था ना, रास्ता नहीं था इसलिए। हाँ, रास्ता नहीं था, इनको पत्नी गिर गए थे। अच्छा, इसके वजह से कटा रास्ता। तो पत्नी कहाँ पे जा रही थी इनको खाना देने के लिए? खाना पट्टी से लकड़ी आता है उस साइड से, लकड़ी आता है। हाँ। तो ये लकड़ी काटने के लिए गए उसे। 66 को इमरजेंसी था उस समय, लकड़ी बाबा काट के लाते थे, बाल बच्चों को बेच को खिलाते थे, और वही में लकड़ी काट के ले रहे थे। तो घाट गए, घूमे, इमली के गाछ है, उसी गाछ तक बाबा बैठे हुए थे। इधर से देखे लेट खाना कि नहीं अभी पहुँचे, तो वही रास्ता से आ रहे हैं बाबा, तो देखे कि गिरे हुए हैं, तो फिर अपना वो लकड़ी छोड़ दिया, अपना लेकर के पत्नी को घर चले आए। और घर में क्या दिमाग उनको आया, इनको दिमाग पलटी हो गया, कहा कि अब जैसे कि दो बकरी था वो बेच दिए। अच्छा, अब बेच के छेनी थोड़ी मांग करके 66 रुपये इमरजेंसी था। मूवी में इंदिरा भी देखते होंगे। अच्छा, जो मूवी में दिखाया गया वो रियल है, उसमें तो कुछ अलग अलग दिखाया गया है, लहसुन मिर्चाई डाल दिया है। अच्छा, समझिए। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? पहले पानी के साधन कैला के बाद में जैसे कि पहाड़ में लगे, वो पट्टी देखिए खेत तार के बगान है, बाबा का खेती है। अच्छा। अभी उसमें जैसे कि मलेटी का ट्रेनिंग होता है, उसमें बाबा जो घर बनाए हुए थे वो जगह खेती करते थे,
अच्छा, मतलब पहाड़ पे ही रहना, उसको काटना, वहीं पे सब कुछ हो गया था। हाँ, सारा चीज उनका वही व्यवस्था हो गया था। जब पत्नी का देहांत हो गया तो हाँ, पूरी तरह से पहाड़ पे ही रहने लगे। पत्नी के जब इंतेहात हो गया ना, खत्म हुए तो एकदम बैराग हो गया, किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पहाड़ से मतलब था। लोग उनको पागल भी बोलते थे, पागल समझते थे। आज पहाड़ में जाएगा फौरन तो पागल नहीं कहेगा कि पागल हो गया, वही होगा। तो उसी बात था बाबा को, लेकिन बाबा ही कहते रहते थे। बाबा तो जैसे कि हम लोग तो यही जानते हैं कि वैसा पुरुष कहीं अवतार होगा अभी कि नहीं होगा। सही बात है, दूसरों के लिए कोई नहीं करता है, अपने लिए सब करते हैं, लेकिन ये जो रास्ता बना के गए हैं इस पे सारे लोग निकलते हैं। ये पक्की समाधि वगैरह ये नीतीश सरकार ने बनवाया ना इसको, इसमें दोनों का हाथ है। अच्छा, हमारे मांझी जी का भी हाथ है और नीतीश जी का भी हाथ है। अच्छा, तो ये कब बनाया है पक्का जो बनाया यहाँ पे? 6 साल हो गया ऐसे तो, 2007 में बाबा थे हुए हैं, लेकिन पहले घेरा हुआ था, कई बार टूटा जूटा बना, तब अब्री में जैसे की तैयार हुआ। अच्छा, आखिरकार ये इस तरह से बन गया। तो अभी माझी जी के जो मतलब बेटे हैं भागीरथ माझी जी, वो मिल जाएंगे क्या हमको? हाँ, मिल जाएंगे घर पर। चलिए, तब अब हम चलेंगे जहाँ पे दशरथ माझी जी का जो घर बना हुआ है, बता रहे कि वहीं पे उनके जो बेटे हैं भागीरथ माझी जी, वो मिलेंगे, तो उनसे बात करेंगे कि कैसे क्या है, और घर भी आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह का उनका घर बना। अभी हम पहुंचे हैं दशरथ माझी जी का जहाँ पे घर है वहाँ पे, तो यहाँ पे भी इनकी एक प्रतिमा लगी हुई है। और देखिए, ये जो रास्ता है इधर से आया है, तो वहाँ पे उनका जो उन्होंने पहाड़ को काटा था, वो पहाड़ आगे है जहाँ पे उन्होंने पहाड़ को काटा था, वहीं पे उनकी जो स्मृति बनी हुई है, उनकी जो मूर्ति वगैरह बनाई गई है वो वहीं पे बनी है। और ये वाला जो रोड है इधर से आता है और इस साइड गया की तरफ गया हुआ है। गाँव काफी खूबसूरत है, ये घर बना हुआ है उनका। देखिए, घर अभी भी पूरा कच्चा है, वहाँ पे कुछ 2-3 कमरे हैं जो पक्के बने हुए हैं, बाद बाकी पूरा घर अभी तक कच्चा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा कच्चा घर है जिसपे बहुत ही अच्छे से लिपाई की गई है। और ये इनका यहाँ पे किचन है जिसमें खाना बन रहा है, तो आप लोग बिहार का किचन भी देख लीजिए किस तरह का होता है। ये कुछ कमरा है जिसके अंदर खाना बन रहा है, तो अभी भी ये परिवार कच्चे घरों में ही रह रहा है। हालांकि 2-3 कमरे बने हुए हैं, 3-4 कमरे ये छोटा सा बना दिया गया है, लेकिन इनको ये पता नहीं कैसा आवास मिला है कि कैसे क्या है, ये बहुत छोटा छोटा सा 2-3 कमरे ऐसे बना दिए हैं। जबकि अगर इनको प्रधानमंत्री आवास भी मिलता तो वो बहुत अच्छे से बनता है, क्योंकि उसमें एक कमरा रहता है और थोड़ा सा जगह और रहती है, लैट्रिन बाथरूम सारी चीज़ें उसमें बनाई जाती हैं पीएम आवास में, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 4 कमरे। हम लोग घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में ही हमें मिल गए, ये हैं दशरथ माझी जी के पुत्र भागीरथ माझी। तो जैसे इनके ऊपर जो फिल्म बनी है, जो फिल्म बनाई थी इनके ऊपर, वो फिल्म में जो चीज़ें दिखाई गई वो रियल है, उसमें से बनावटी कुछ लोग दिखा दिए? ना, बनावटी कुछ है। अच्छा, जो कह दिया कि उसका सांप काट लिया तो अंगूरी काट लिया, वो गलत है। अच्छा, उन्होंने कोई उंगली नहीं काटा ना उनको, कभी कोई सांप आप नहीं? अच्छा, वो जो कहा कि उसका मैंने गोल्टे शादी हुआ, वो नहीं हुआ। कैसा शादी हुआ? गोल्टे मैंने तो नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा कुछ सब नहीं है, दो चार को सब नीचे, 4-5 को है, बाकी तो सब गलते हैं। अच्छा, जैसे ये वाला जो सीन दिखाया है, जैसे कि आपकी जो माता जी थी वो पहाड़ से गिरी थी तभी उनकी मृत्यु हुई थी? नहीं, फिर ना उसका चोट लग गया, उनको चोट लगा था यहाँ पे। चोट लगने के बाद कितने दिन वो मतलब जी थी? चोट लगने के बाद में डॉक्टर दिखाया, साल भर के बाद में उसका मृत्यु हुआ। अच्छा, तो गिर के तो नहीं ना मरा। अच्छा, मतलब यहाँ से जब वो गिर गई थी उसके बाद उनका इलाज भी करवाया था? हाँ हाँ। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि अस्पताल ले जाने के लिए के जाना पड़ा इसलिए वो ऐसा कुछ हुआ था? अस्पताल जैसे पहाड़ी दरार न था, रास्ता नहीं था, पहाड़ ऊंचाई है, तो उसी वजह से डॉक्टर वैद्य कोई नहीं है। अच्छा, तो पहले आपको बजीरगंज जाने के लिए पूरा 50 किलोमीटर का सफर करना पड़ता? भिंडर से घूर के जाइए वहाँ। अभी तो आप यहाँ से सीधे निकल जाओ? अब तो भीरी हो गया। तो जैसे वो जब यहाँ पे पहाड़ खोजते थे तो आप लोगों ने भी तो उनसे बात की होगी कि पापा ये क्या कर रहे हो? अब तो इन्हें लड़का था, उसको मना किया बाप। अच्छा,
पिताजी, हाँ आपके दादाजी, हाँ माना किया ये सब काम मत करो, मजूरी करेगा बाल बच्चा खाएगा, तो किसी के बात नहीं रखा, भाई के भी बात नहीं रखा। वो अपना जिदी टाइप के था कि जितना दिन में ये रास्ता को हम बना दे, तब मतलब 22 साल लगा। 22 साल लगने के बाद नीतीश कुमार तक खबर गया, जा कर के 8 दिन लिट्टी खा कर रहा, तो वहाँ जो गार्डमैन है तो नहीं जाने देता, तो उन लोग रह करके फिर गार्डमैन के कहा कि देखिए एक गार्डमैन है जो है ना सिपाही गेटमैन, हाँ तो जाकर नीतीश कुमार के कहा कि देखिए नाटा ऐसा सिपाही है से मुलाकात करने आया से हम लोग नहीं गेट से बाहर है, इधर नहीं आने दिया। तो नीतीश कुमार कहा कैसा साधु उसको आने दीजिए, कहा कि लिए रोक दिए। पटना गए थे ये उनसे मुलाकात करने के लिए? हाँ पटना। अच्छा। तब जाके नीतीश कुमार से वातावरण किया, कागज पत्र दिखाया, तब नीतीश कुमार ने इसका हाईलाइट किया, तब जाके हाईलाइट हुआ था ये। हाईलाइट किया, उससे पहले कोई नहीं जानता था कि किसी ने 22 साल तक मेहनत की एक पहाड़ को काट के रास्ता बनाने के लिए। नहीं कोई जाना नहीं, हाईलाइट नीतीश कुमार किया। इतना जो अस्पताल, थाना, किसान भवन, स्मारक, अच्छा, ये सब जानने के लिए वो एक बार दिल्ली तक पैदल भी गए थे। पैदल गया, जैसे फिल्म में दिखाया गया है। हाँ, ऐसा पैदल दिल्ली गए, यहाँ से पैदल गए थे दिल्ली के लिए। हाँ। जैसे वो के ट्रेन में बैठे थे तो ऐसे टिकट नहीं था, उनको उतार दिया, फिर वो पैदल ही चल दिए। ना ना टिकट उतारेगा काहे के लिए, टिकट मास्टर तो कहा जहाँ रात हो जाए तहाँ टिकट मास्टर लोग खियावा लोग अपना। तो ये सब कुछ फिल्म में गलत दिखाया गया? हाँ गलत दिखाया। वो दिल्ली तक तो गए थे ना पैदल? हाँ पैदल, वो सही है। हाँ राष्ट्रपति से। अच्छा फिल्म वालों ने जब फिल्म शूट की थी तो आपसे परमिशन ली थी कि हम आपके पिताजी के ऊपर फिल्म बनाना चाह रहे हैं? फिल्म बनाने हम जान नहीं रहे कि क्या चीज़ होगा, वो फिल्म बना करके चला गया, कहा 2% देंगे, तो फिल्म नहीं चला। अच्छा तो कहाँ दिया? नहीं फिल्म तो चला। हाँ तो दिया नहीं ना, वो चला गया बॉम्बे, हम गरीब आदमी कहाँ खोज जाएंगे। फिल्म की शूटिंग यहीं पे हुई थी? हाँ यहीं हुआ। कितने दिन तक शूटिंग चली थी? चला एक महीना। एक महीना तक यहाँ हुआ, हड़ाई था ना हुआ, दूसरी घाट हुआ, नवादा टाल में हुआ। अच्छा। और भट्टे भट्टे भी शूटिंग लिया है, मतलब आसपास के क्षेत्रों में यहीं पे फिल्म का शूटिंग हुआ था। हाँ। लेकिन आपको कुछ नहीं दिया फिल्म वालों ने? अब कह के नहीं दिया तो क्या करें, उन्होंने कहा था 2% देंगे लेकिन दिया नहीं। हाँ। उन्होंने ये कह दिया फिल्म ही नहीं चली हमारी। चला नहीं, फिल्म तो चली थी लेकिन इनको कुछ नहीं मिला उस फिल्म में। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो ये थे दशरथ मांझी जी के पुत्र भागीरथ मांझी, जिनसे अभी हमने बात की है। तो आज की ये जो वीडियो है आपको कैसी लगी, हमने आपको दिखाया माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी का घर, यही घर है और जहाँ पे उन्होंने जो पहाड़ काटा था वो भी दिखाया। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूं। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।